छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सरगुजा संभाग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। टीएस सिंहदेव ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सार्वजनिक मंच से विधानसभा चुनाव में हार को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी। सिंहदेव ने कहा कि राहुल जी, खड़गे जी, आपने हमारी राय से विधानसभा चुनाव में जैसे सुझाव दिए, जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, सबको स्वीकार किया, विश्वास किया, सीटों का आवंटन हुआ, लेकिन हम परिणाम नहीं दे सके। इसके लिए सिंहदेव ने न केवल अपनी ओर से बल्कि सभी की ओर से राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी। आपके और हमारी राय के हिसाब से विधानसभा के चुनाव में जैसा सुझाव दिया, जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, उन्होंने स्वीकार किया, विश्वास किया, सीटों का आवंटन हुआ, हम परिणाम नहीं दे सके। और परिणाम ऐसा कि अत्यधिक निराशाजनक। मैं उसके लिए अपनी ओर से, आप सब की ओर से, राहुल जी से और खड़गे जी से क्षमा मांगता हूं कि हम लोग आपकी मंशा के अनुरूप यहां कांग्रेस को स्थापित नहीं कर सके। और दुख इस बात का कि आप जिस उद्देश्य को लेकर पूरे देश में निकले हैं, खड़गे जी के देखरेख में जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमने आपकी मुहिम को कहीं ना कहीं कमजोर किया। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ कोरबा से होते हुए अंबिकापुर पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों, आदिवासियों और युवाओं से बात की और लोकसभा से पहले उन्हें अपने पक्ष में करते हुए नजर आए। किसानों से अधूरे वादों को लेकर अब राहुल गांधी ने किसानों से फीडबैक भी लिया, लिहाजा लोकसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे को कांग्रेस बड़ा हथियार बनाकर लोगों के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सिंहदेव की माफी को लेकर सियासत भी तेज है। माना जा रहा है कि जिस तरह से सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों में काबिज कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इतना ही नहीं, खुद डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये सारी बातें न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के भीतर चलती रही। यही वजह है कि खुद सिंहदेव को सार्वजनिक मंच से माफी तक मांगना पड़ा। वैसे भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बघेल और सिंहदेव के बीच ढाई ढाई साल के सीएम को लेकर विवाद भी किसी से छिपा नहीं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले सिंहदेव ने माफी मांगकर पुराने विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तमाम मतभेद को भूलकर एकजुट होने के मंत्र के साथ ही चुनाव में उतरने पर जोर दे रही है। अंबिकापुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।